मुंबईत लय मोठमोठे बॅनर लागेत, पटेंगे तो कटेंगे, हे मुंबईत बॅनर लागले, महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी बॅनर लागले, पर हे सांगायला कुणाला यावं लागतं तर उत्तर प्रदेशच्या माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा फोटो लावून हे बॅनर लागलेत। हे बॅनर लागत असताना कायम लक्षात ठेवा, जेव्हा त्यांनी बॅनर लावले पटेंगे तो कटेंगे असं त्यांनी सांगितलं, त्यांना साधा प्रश्न विचारू इच्छितो, बटेंगे तो कटेंगे कहने वालो जरा हमें ये भी बता दो, बटेंगे तो कटेंगे कहने वालो हमें जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को। 5.5 लाख कोटी ची गुंतवणूक केली भावा हो, लाखों तरुणांच्या हातचा रोजगार गेला, तो बटेंगे तो कटेंगे कहने वालो जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को, क्यों काटा किसानों की कर्ज माफी का हक और बांट दिया चुनिंदा पूंजीपति। 26 लाख कोटीचं कर्ज माफ झालं ठराविक उद्योगपतींचं, पण तुमच्या 7-12 कोरा झालेला नाही, आणि म्हणून हा प्रश्न आहे, क्यों काटा किसानों के कर्ज माफी का हक और बांट दिया पूंजीपतियों को, क्यों काटा मराठी पार्टियों को और बांट दिया आपने सत्ता के दलालों को, क्यों काटी आम आदमी की जीव। 3000 रुपये साधारणता खर्च व्हायचा महिन्याभराच्या जेवणाचा, गेल्या वर्षभरात खर्च वाढलाय, झालाय 4500, जाते ते सगळं तुमच्या खिशातून जाते, आणि मगाशी रोहित दादांनी उल्लेख केला तर खोड रबर आणि शिस्पेन्सिल दिली नसेल याचं कारण त्याच्यावर भी 18% GST। तो क्यों काटी आम आदमी की जेब और बाट दी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली कंपनियों को, क्यों काटा महाराष्ट्र का हक और बांट दिया आपने गुजरात को। इसलिए कान खोल के सुन लो, बटेंगे तो कटेंगे ये कहने वालों, आपके खिलाफ होने वाले वोट हम अपना बटने देंगे, महाराष्ट्र का हक महाराष्ट्र का स्वाभिमान अब हम नहीं कटने देंगे, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे कहने वाले हैं हम, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे कहने वाले हैं हम, लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र धर्म इस महाराष्ट्र में जिंदा रखेंगे, इस महाराष्ट्र में जिंदा रखेंगे।